पद्मश्री आसिफा ज़मानी साहिबा से मैं दरख्वास्त करूँगा कि मैम आप तशरीफ़ लाएँ और दो लफ्ज़ उर्दू एकेडमी और उर्दू के बारे में हम लोगों को दो लफ्ज़ बख्शें। आसिफा ज़मानी साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रात, चूँकि सर सैयद से मुतालिक ये प्रोग्राम हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा सर सैयद के मुतालिक भी हमें कुछ बोलना चाहिए। सर सैयद से पहले मुसज्जा और मुकफ़ा नसर का रवाज था, लेकिन सर सैयद ने उर्दू नसर को सलीस पैकर अता किया। उनका सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने उर्दू नसर को अपनी ज़िंदगी का ही नहीं बल्कि माशरे की ज़िंदगी का तर्जुमान बनाया। सर सैयद ने मुसज्जा और मुकफ़ा ज़बान की जगह तहज़ीबुल अख़लाक़ के वसीले से बोल चाल की आम ज़बान को मुरव्वज किया। सर सैयद उर्दू नसर के रिफार्मर की हैसियत रखते हैं। उन्होंने सादगी, सलासत, रवां और बरजस्ता जुमले और फ़िक्रे इस्तेमाल किए। बाज़ औक़ात वो अपनी बात की तस्वीर कशी करते हैं, इस तरह से करते हैं कि तस्वीर निगाहों के सामने घूमने लगती है। उनकी तहरीरों में कहीं कहीं ड्रामाई शान भी नज़र आती है। मसलन उम्मीद की खुशी, आदम की सरगुजश्त, गुज़रा हुआ ज़माना जैसे मज़ामीन सर सैयद के बेमिसाल कारनामे हैं। उन्होंने तशबीह और इस्तियारे और तलमीहात से भी काम लिया है और आम फहम अल्फाज के इस्तेमाल को ज़रूरी करार दिया है। सर सैयद की नसर के बारे में कहा जाता है कि वह सन्नाई और रानाई से पाक है। अलबत्ता उन्होंने कुछ मतरूक अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं, मसलन लामे, जामे, खामे वगैरह। बहसियत मजमुई सर सैयद ने सकील, मुसज्जा और मुकफ़ा नसर के मुकाबले में उर्दू नसर को सादगी और सलासत से हमकिनार किया और उसे आम फहम नसर का दर्जा अता किया। ये बहुत बड़ी बात है। हजरात, सर सैयद का अजीम कारनामा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम है। आज अगर सर सैयद अहमद ख़ान न होते तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी न होती, और अगर यूनिवर्सिटी न होती तो हम न होते। हजरात, चूँकि मुशायरे की महफिल है इसलिए मैं एक गज़ल के चंद अशार पेश करके आपसे इजाज़त चाहूँगी। मतला अर्ज़ है, जब से तेरी नज़र हो गई, जब से तेरी नज़र हो गई, जिंदगी मोतबर हो गई, जिंदगी मोतबर हो गई। खूब थी जिंदगी ये मगर सब्र से खूबतर हो गई, सब्र से खूबतर हो गई। और ये सुनिए कि अपनी तन्हाइयों के सबब, अपनी तन्हाइयों के सबब गम से मैं बाखबर हो गई, गम से मैं बाखबर हो गई। और ये शेर ख़ास तौर से सुनिए कि तुमने मक़तल में जान बख्श दी,
तुमने मक़्तल में जान बख्श दी। हज़रात, मक़्तल में जान नहीं बख्शी जाती है, सर उड़ा दिया जाता है, लेकिन अगर जान बख्श दी जाए तो कितनी खुशी की बात होती है। अब देखिए शायरा का तख़य्युल कि तुमने मक़्तल में जान बख्श दी, तुमने मक़्तल में जान बख्श दी, जिंदगी दर्द सर हो गई, जिंदगी दर्द सर हो गई, और आने वाला तो आया नहीं, आने वाला तो आया नहीं, राह तक ते सहर हो गई, राह तक ते सहर हो गई। और मक़्ता अर्ज़ है कि जिंदगी ने दिए इतने गम, जिंदगी ने दिए इतने गम, मैं तो ज़ेरो ज़बर हो गई, मैं तो ज़ेरो ज़बर हो गई, जब से तेरी नजर हो गई। शुक्रिया हजरत।